दोस्तों आप में से ऑलमोस्ट सभी व्यूअर्स ने 3D प्रिंटिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं 4D प्रिंटिंग के बारे में? आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे 4D प्रिंटिंग के बारे में ही बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए कि 4D प्रिंटिंग पॉसिबल कैसे है। अगर हम बात करते हैं इस दुनिया की तो यहाँ पे सब कुछ 3D ही है। अगर आप बात करोगे एक डायमेंशन की तो वो बन जाती है लेंथ, अगर आप बात करते हो दो डायमेंशन की तो वो बन जाता है एरिया, और अगर आप बात करते हो तीन डायमेंशन की तो वो बन जाता है वॉल्यूम। अब ऐसे में फोर्थ डायमेंशन एक नॉर्मल इंसान के लिए तो कभी भी सामने आ ही नहीं पाता है, लेकिन हाँ अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, अगर आपने आइंस्टाइन की थ्योरीज पढ़ी है तो फिर आप टाइम को फोर्थ डायमेंशन मान सकते हो। आप स्पेस टाइम थ्योरीज वगैरह अगर पढ़ते हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रिंटिंग की फॉर्म में कैसे पॉसिबल है कि आप 4D प्रिंटिंग कर पाओ? क्योंकि अगर आप किसी चीज को प्रिंट करोगे तो वहां पे उस चीज की एक लेंथ हो सकती है, एक विड्थ हो सकती है, एक हाइट हो सकती है, और इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ 3D प्रिंटिंग ही पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम कुछ अलग मटेरियल्स को यूज करके 3D प्रिंटिंग को करते हैं तो ऐसे में हम उसे कहेंगे 4D प्रिंटिंग। और 4D प्रिंटिंग इस टाइम पे बहुत ज्यादा रिसर्च में है, बहुत ज्यादा जो अलग अलग जगहों पे इसके बारे में रिसर्च चल रही है कि कैसे हम अलग अलग मटेरियल्स को यूज करके 4D प्रिंटिंग कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि 3D स्कैनिंग क्या है, 3D प्रिंटिंग क्या है, कैसे होती है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, आपको ऊपर कार्ड्स में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन 3D प्रिंटिंग के सिमिलर ही है 4D प्रिंटिंग, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे जो मटेरियल्स काम में आ रहे हैं वो कंप्लीटली अलग है। 3D प्रिंटिंग में तो क्या होता है कि एक मशीन होती है, ऊपर एक नोजल होती है, और वो अलग अलग बस घूम घूम के जो भी आपने कंप्यूटर के अंदर एक मॉडल तैयार किया है उसको बेसिकली, एक अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर यूज की, तो प्लास्टिक के जो वायर्स है, जो स्पूल्स है, वहां से वो प्लास्टिक के लेयर्स से आपके लिए वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार कर देती है। लेकिन 4D प्रिंटिंग में जो मटेरियल्स यूज करते हैं दोस्तों वो है बहुत ही अलग। आप एग्जाम्पल लीजिए शेप मेमोरी अलॉयज का, आप एग्जाम्पल लीजिए कुछ ऐसे मटेरियल्स का जो बनने के बाद अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक जूता है, आप जब वो जूते से फुटबॉल खेलते हैं तो जूता अलग तरीके से बिहेव करता है जब आप दौड़ते हैं। बेसिकली जब आप उस जूते को पहन के चल रहे होते हैं साइड में तो वो जूता अलग तरीके से बिहेव करता है। आप उस जूते को पहन के बारिश में निकल जाइए तो जूता जो है वो वाटरप्रूफ बन जाएगा। अब वो जूता ये सारे काम कैसे करेगा? अगर वो जूता 4D प्रिंटेड है तो शायद वो सभी काम कर पाए। वो कैसे करेगा कि उसने कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज किया है, उसने फोर्स के हिसाब से अपने शेप को मॉडिफाई किया। जैसे जब आप दौड़ रहे हैं और जब आप चल रहे हैं उसको पता है डिफरेंस क्या है, और इसीलिए उसने आपके सोल में कहां पे ज्यादा सपोर्ट लगाना है, कहां पे उसको कम सपोर्ट देना है, वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा है। और इसके अलावा उसने मॉइस्चर को भी सेंस किया और अपने आप को बना लिया वाटरप्रूफ। तो ये तभी पॉसिबल है कि अगर ऐसा कोई मटेरियल हमारे पास में हो जो इस तरीके से रिएक्ट करता हो, और अगर हम उस मटेरियल से वो जूता बनाएं तो आप बहुत ही आराम से ये सभी काम कर पाएंगे। या आप इमेजिन कीजिए ऐसे पाइप्स का जो प्लम्बिंग के अंदर काम में आते हैं, कि वो पाइप जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से, कि वो ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है या टेम्परेचर क्या है बेसिकली, उसके हिसाब से अपनी थिकनेस को कम या ज्यादा कर पाए, तो आप उसके हिसाब से पानी के फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। या आप इमेजिन कीजिए ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स का, जो हम कहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके पास में आर्टिफिशियल हार्ट भी है, वो तो आज ही है, आने वाले दिनों की बात नहीं है, लेकिन अगर आप ह्यूमन बॉडी के सभी ऑर्गन्स को रेप्लीकेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं आर्टिफिशियली, तो ऐसे में अगर आपके पास में ऑर्गन्स कुछ ऐसे मटेरियल से बने जो उस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से एक्सटर्नल फोर्सेस, प्रेशर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इन सभी के हिसाब से अपनी फंक्शनलिटी को चेंज कर पाएं और एक असली ऑर्गन की तरह काम कर पाएं, तो ऐसा ही कुछ है दोस्तों 4D प्रिंटिंग। US आर्मी ने यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, उसके अलावा इलिनॉइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में उन्होंने बहुत बड़ी ग्रांट दी है रिसर्च करने के लिए कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल पॉसिबल हैं जिनसे अगर हम किसी चीज को प्रिंट कर दें तो उसको प्रिंट करने के बाद में वो वैसे ही नहीं रहेगी, वो अलग अलग कंडीशंस पे अपनी शेप को चेंज कर सकती है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, जो उसकी रिजिडनेस है, जो उसकी हार्डनेस है, जो उसका वेट है, सभी चीजों को चेंज करके अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक छोटा सा एक कुछ स्ट्रक्चर प्रिंट किया और वो ऐसा है कि वो एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन में फैल के एक पूरा बड़ा टेंट बन जाएगा। तो ऐसे में अगर आप बात करते हो डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह की, तो वहां पे भी ऐसी चीजें बहुत अच्छे से काम में आ सकती हैं।
यानी कि कुल मिला के आपने प्रिंट तो कर दिया एक नॉर्मल 3D प्रिंटिंग की तरह कुछ भी ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट बाद में वो ऑब्जेक्ट अपने से वैसा नहीं रहा, वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं, टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, मॉइस्चर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, अलग अलग ट्रिगर्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेगा, अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, और उसके बाद में आपको अलग ही तरह का एक आउटपुट वहां पे देखने को मिल जाएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। अब अगर हम बात करते हैं कमर्शियल यूज की या एक नॉर्मल कंज्यूमर के घर तक, तो शायद ये 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कभी भी ना आ पाए, क्योंकि 3D प्रिंटिंग तो आज के डेट बहुत ही ईजी है। आप बाजार से जाइए, प्रिंटर खरीद लीजिए और आप कुछ भी जो चाहें अपने घर में, चाहे खिलौने प्रिंट करें, चाहे आप चम्मच ग्लास कुछ भी आप जो चाहे वो प्रिंट कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन 4D प्रिंटिंग में घर पे प्रिंट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो जो मटेरियल्स हैं जो इनपुट में काम में आएंगे वो मटेरियल्स ऐसे हैं कि वो आप घर में शायद उनको कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो एक रिसर्च लैब में ही या एक प्रॉपर एक फैक्ट्री में ही बन सकते हैं, और वहीं उन्हीं कंडीशंस में आप उनको प्रिंट कर पाएंगे, ना कि आपने घर में अपने वर्क स्टेशन पे वो मशीन को रखा और जो चाहे वो प्रिंट कर लिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जान गए हैं 4D प्रिंटिंग के बारे में, 4D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग से कैसे डिफरेंट है, इसके क्या क्या आगे काम में आने वाले एप्लीकेशंस हो सकती हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और है तो वो भी आप बताइए कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आप 4D प्रिंटिंग के थ्रू ही पॉसिबली प्रिंट कर पाएंगे, और शायद वो इंसान की लाइफ में काफी बड़ा चेंज लेके आ पाए। अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई आइडिया है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। फिलहाल के वीडियो होते हैं दोस्तों, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई और सवाल सुझाव हो तो भी आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक या शेयर भी करते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।